ओम शांति। सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 नवंबर 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। प्रश्न: 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर: 1 बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, 2 बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और 3 बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं, अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत: बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। 1 लौकिक बचपन, 2 है निवृत्ति मार्ग का। वह कभी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। 3 है तुम्हारा यह वंडरफुल मर्जीवा जन्म। 1 माता पिता को छोड़ 2 माता पिता के बनते हो, यह है रूहानी माता पिता। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं, वह सब है जस्मानी बाप। यह है रूहानी बाप, इसलिए गाते हैं बाप का बनकर मर्जीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले यह बात समझानी है। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। यह ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला। उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप,
उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ, इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सत्युग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहां अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। यह है पुरानी दुनिया आयरन एज। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे, जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं। यह भूलो नहीं, भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है, हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर,
प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती हैं, सब नंबरवार हैं, कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप सामान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं, तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नीति नीति करते गए। एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहां दुख की बात नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहां ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ ना सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है, उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने। निश्चय करे कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, सतयुग में और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है? इम्पॉसिबल है। तुम जानते हो हम असल में वहां के मूल वतन के रहवासी है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी हैं उनके लिए नरक है। तुम जानते हो
स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान वाच, यह भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। इनमें कोई सार नहीं। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो, फिर तुम ही चक्कर में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच, और वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। फरक लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो। बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं होती। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहां भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहां जमीन, आसमान, कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है देवताए। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान हो न सके। भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवान वच, काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। यह अभी की बात है। जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह थोड़े ही किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा। कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको चार भुजा दिखाते हैं, दो स्त्री की, दो पुरुष की। परंतु वह इन बातों को जानते नहीं है। तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है, बाबा हमको अब स्मृति आई है। सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना? शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो। भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा
ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं? हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र धाकिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। यह पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यह स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पॉम्प है। अब बाप कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चिया ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया है, मामेकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे, फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से
सदा काल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति।